हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ हेल्दी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर 15 फॉर क्लास 10th, यानी कि प्रोबेबिलिटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ये प्रोबेबिलिटी होती क्या है। प्रोबेबिलिटी मैथमेटिकल पॉसिबिलिटीज़ को कहते हैं। जैसे हम लोग वर्ड्स में बोलते हैं ना कि इतने परसेंट, 50% चांसेस हैं कि आज रेन होगी। यानी हम लोग जब डेली लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ की बात करते हैं, मैथ में उसे प्रोबेबिलिटी कहा जाता है। किसी भी इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई कही जाती है। ये दो नंबर्स का रेशियो होता है। प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल डेफिनेशन है पी इज इक्वल टू एनी अपॉन एनएस, जहाँ ये एनी क्या है, हमें जिस भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए उसके नंबर ऑफ इवेंट्स इन फेवर, उसके फेवर में कितने इवेंट्स हैं उसे ऊपर रखना है, और टोटल कितने इवेंट्स हैं उसे नीचे रखना है। किसी भी क्वेश्चन में हमें ध्यान से प्रॉब्लम को समझना है और ये दोनों निकाल कर डिवाइड कर देना है, दैट्स ऑल। तो चलिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। यहाँ पे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ बैड एग इन अ लॉट ऑफ 400 इज 0.035। टोटल 400 एग हैं, इसमें बैड एग्स की प्रोबेबिलिटी 0.035 है। तो हमें बताना है कि द नंबर ऑफ बैड एग्स इन लॉट इज, आपको बताना है कि कितने बैड एग्स है उसमें। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ई इवेंट मान लेंगे बैड एग चुनने की। तो अब हम पी ऑफ ई, हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि बैड एग की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0.035। तो कभी भी अगर प्रोबेबिलिटी डेसिमल में दी है ना, तो हम उसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 35/1000 हो जाएगा ये। इसे हम 35/1000 लिख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर अपॉन एनएस। इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन हो जाएगी बैड एग चुनने की प्रोबेबिलिटी ये है, तो वो होगा नंबर ऑफ बैड एग्स अपॉन टोटल एग्स, नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर अपॉन टोटल। तो अब यहाँ से हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि टोटल एग्स कितने हैं, 400 है दिया हुआ है, और नंबर ऑफ बैड एग्स हमें नहीं मालूम है, वो हम एनी मान लेंगे, इज इक्वल टू 35/1000। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ बैड एग्स यानी एनी निकालना है। तो ये एनी हो जाएगा, एनी इज इक्वल टू, इसको हम क्रॉस वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 400 जो है उधर पहुँचेगा, तो ये हो जाएगा 35/400 डिवाइडेड बाई 1000। तो ये आ जाएगा आपका 20 कैंसिल, एक ज़ीरो बचेगा। अब यहाँ पे आएगा 35 इंटू 4 होता है 140 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि एक ज़ीरो कैंसिल, यानी कि आपका 14 आ रहा है, यानी नंबर ऑफ बैड एग्स कितने आ रहे हैं, 14। तो आप देख सकते हो कि 14 इज़ अ करेक्ट आंसर। यानी कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया, प्रोबेबिलिटी की बेसिक डेफिनेशन ही तो यूज़ की है, नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर अपॉन टोटल। तो आपको बस इस हर एक क्वेश्चन में थोड़ा सा कंसेप्ट का यूज़ करना और इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। चलिए बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। बहुत ध्यान से सुनिए, कभी भी जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती और कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यानी प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज वेरीज फ्रॉम 0 to 1, 0 और 1 के बीच ही होती है, 0 और 1 हो सकती है, लेकिन 0 से कम और 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि क्या नहीं हो सकती। तो पहली बात तो ये 15% दिया है, परसेंट का मतलब 15/100, तो परसेंट में प्रोबेबिलिटी हो सकती है। तो ये प्रोबेबिलिटी हो सकती है 0 हो सकती है, 2/3 हो सकती है। कौन सी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं हो सकती, जैसे कि मैंने बताया। तो दिस इज़ द आंसर। कभी भी क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, तो तुरंत नेगेटिव वाले को टिक कर दीजिए। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए इज 0.05, ठीक है। तो यानी कि पी ऑफ ए इज गिवन 0.05। फिर पूछा है कि देन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, अगर पी ए 0.05 है
तो नॉट ए मतलब ऐसे शो करते हैं, और ये कैसे निकालते हैं, 1 माइनस 0.05, 1 से माइनस कर देते हैं क्योंकि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज 1, तो 1 से जब अपन इसके माइनस करेंगे तो 0.95 आएगा, और यही है आपका आंसर। समझ पा रहे हैं आप? अब नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, सर्टेन टू हैपन मतलब एक ऐसी इवेंट जिसका होना तय है या फिक्स्ड है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो हमेशा होगा ही। जैसे कि आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा, ये तो होना ही है, तो ऐसे इवेंट्स कहलाते हैं सर्टेन। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि अगर कोई इवेंट सर्टेन इवेंट्स हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, यानी कि जो इवेंट होना ही है, विच इज़ फिक्स टू हैपन, विच इज़ सर्टेन टू हैपन, इन्हें श्योर इवेंट भी कहा जाता है। ऐसे इवेंट जिनका होना तय है, दे आर कॉल्ड श्योर इवेंट्स और सर्टेन टू हैपन। ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है, 100% चांस, यानी कि 1 प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, ऐसी इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकती, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 होती है। तो श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 और इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। अब 6th क्वेश्चन है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, जो हम लोग सांप सीढ़ी लूडो खेलते हैं उसमें जो डाइस होता है, जो पासा होता है, उसे हम लोग खेलते समय इस तरह से फेंकते हैं, तो वैसे ही एक डाइस को रोल किया गया है या फेंका गया है, उसमें प्राइम नंबर आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होती है। तो जब भी हम लोग डाइस वाले क्वेश्चंस करते हैं, उसमें सबसे पहले हम लोग सैम्पल स्पेस अगर बना लें कि क्या क्या आ सकता है, सैम्पल स्पेस इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबिलिटीज़, तो सारे आउटकम्स 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं आ सकता। तो जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी इज़ अ रेशो ऑफ टोटल आउटकम्स नीचे रखते हैं और ऊपर रखते हैं कि जो हमें चाहिए है वो कितनी बार है उसमें, कि प्राइम नंबर चाहिए, तो प्राइम नंबर्स क्या क्या हैं, 2 है, 3 है, 5 है, यानी कि 3 प्राइम नंबर्स हैं। तो नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर, 3 ऊपर रहेगा और टोटल कितने आउटकम्स हैं वो नीचे, तो 3/6 यानी कि 1/2 आने वाला है, तो ये इसका आंसर है। समझ गए, प्राइम नंबर्स की पॉसिबिलिटी है 1/2। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की, ये भी डाइस से रिलेटेड है। इसमें कहा जा रहा है, अ डाइस इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर इज, इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास सेम वही सिचुएशन होगी, लेकिन अभी हमें प्राइम नंबर नहीं चाहिए, इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर्स क्या क्या हैं, 2 है, 4 है और 6 है, यानी इवन नंबर भी 3 ही है। तो हमें चाहिए क्या, इवन नंबर, और इवन नंबर कितनी बार है इस सैम्पल स्पेस में, 1, 2, 3, 3 बार है ना, तो 3 ऊपर और टोटल कितने आउटकम्स हैं, 6 है, 6 नीचे, तो 3/6 यानी कि 1/2 आंसर हो जाएगा इसका भी। समझ पा रहे हैं? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 क्वेश्चन है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ नंबर सेलेक्टेड फ्रॉम 1 to 15, 1 से लेकर 15 तक के नंबर्स हमें दिए हैं, इसमें से हमने एक नंबर चुना और वो नंबर 4 का मल्टीपल है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। दिस इज अ क्वेश्चन कि 4 का मल्टीपल चाहिए, तो ठीक है, टोटल हमारे पास 15 है, तो जो टोटल आउटकम्स होते हैं ना प्रोबेबिलिटी में, हमेशा हम उसे नीचे रखते हैं, तो नीचे क्या होगा, 15 होगा, तो जो आंसर आएगा उसमें नीचे 15 होगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा दो नंबर्स का रेशियो होती है, तो 15 नीचे रहेगा। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, 4 का मल्टीपल। 4 का मल्टीपल, सीधे 4 का टेबल पढ़ जाओ, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, लेकिन वो तो है नहीं, तो हम देख सकते हैं कि 4 के मल्टीपल जो हैं सिर्फ 3 ही हैं। यहाँ पे 1 से लेकर 15 तक में 4 के मल्टीपल 3 ही हैं, 1 2 3, तो ऊपर हो जाएगा 3 और नीचे हो जाएगा 15। 3/15 का मतलब क्या हुआ, 1/5 हुआ ना, तो ये देखिए इसका आंसर है 1/5। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब बात करते हैं हम अपने 9th क्वेश्चन की। 9th क्वेश्चन है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ पी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पी है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अगर हमें पी ए दिया है पी,
तो पी ए नॉट हमसे पूछा गया है, वो कैसे निकालते हैं, वन में से माइनस कर देते हैं। कभी भी पी ए की प्रोबेबिलिटी, ए की प्रोबेबिलिटी दैट ए विल हैपन, उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हमें दी है तो इट विल नॉट हैपन कैसे निकालेंगे, वन में से पहले वाले को माइनस कर देंगे। तो अगर पी ए पी है तो पी ए नॉट या कॉम्प्लीमेंट्री वन माइनस पी हो जाएगी। तो ये है इसका करेक्ट आंसर, वन माइनस पी। अब टेंथ क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स थ्री रेड बॉल्स एंड फाइव ब्लैक बॉल्स, अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल्स। ऐसे क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, थोड़ा सा समझ लेने की ज़रूरत है। एक बैग है या बॉक्स हो, कुछ भी हो, इसमें कितने रेड बॉल्स हैं, थ्री रेड बॉल्स हैं, और कितने ब्लैक बॉल्स हैं, ब्लैक बॉल्स फाइव हैं। अब किसी ने इसमें से एक बॉल निकाली एट रैंडम, रैंडम मतलब विदाउट लुकिंग एट द बॉल, आप ऐसे ही उठा लो। अब आपको बताना है कि रेड बॉल आ जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सिंपल सा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रेड बॉल्स, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर, यानी कि नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स, नंबर ऑफ रेड बॉल्स अपॉन टोटल बॉल्स। तो कितने रेड बॉल्स हैं इसमें, थ्री रेड बॉल्स हैं, टोटल कितने बॉल हैं, फाइव प्लस थ्री एट बॉल्स हैं। तो आंसर क्या हुआ, 3/8 हुआ। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, समझ गए। ऐसे क्वेश्चंस में नंबर ऑफ जो बॉल चाहिए वो कितनी है उसमें, और टोटल नीचे रखना है, दैट्स इट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 क्वेश्चन है, इफ़ टू डाइस आर रोल्ड टुगेदर, दो डाइस को एक साथ आपने रोल कर दिया है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवन नंबर ऑन बोथ डाइस, अगर हम दो डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो क्या क्या आ सकता है। तो जब हम दो डाइस को एक साथ रोल करते हैं तो देखिए ये सब आ सकता है, पहले में वन आए, दूसरे में भी वन, वन टू, वन थ्री, वन सिक्स तक हुआ, फिर फर्स्ट में, फर्स्ट डाइस में टू आए, सेकंड में वन आए, फिर सेकंड, फर्स्ट में भी टू आए, सेकंड में भी टू, टू वन, टू टू थ्री, इसी तरह से 6 1 6 2 6 3, ये पूरे 36 वेज है, या पूरा सैम्पल स्पेस, सारी पॉसिबिलिटी मैंने बना ली है। अब आपको बताना है कि दोनों में इवन नंबर आए, इवन नंबर ऑन बोथ द डाइस, इन दोनों में, जैसे कि यहाँ पे देखिएगा 2 2 दोनों में इवन है, 2 4 दोनों में इवन है, 2 6 दोनों में इवन, फिर 3 वाला नहीं देखना है क्योंकि इसमें एक ऑड आ रहा है, फिर 4 2 4 4 4 6, फिर 5 वाला नहीं देखना है, फिर 6 वाला देखना है, 6 2 6 4 और 6 6। अब आप बताइए कि ऐसे कितने हैं, काउंट कर लीजिए, तो 3 3 6 9 हैं, ऐसे कितने हैं, 9। तो अगर हमें दोनों में इवन चाहिए तो टोटल फेवर में कितने हैं, 9, और टोटल कितने हैं, 36, 9/36 यानी कि 1/4। आप देख सकते हो कि 1/4 एक ऑप्शन है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। 12th क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन 4 रेड बॉल्स एंड 10 ग्रीन बॉल्स, अ बॉल ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ ग्रीन बॉल। इस तरह से एक बैग है जिसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 10 ग्रीन बॉल्स हैं। आपने एक बॉल निकाली विदाउट लुकिंग एट द बैग, आपको फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल ग्रीन नहीं होगी, यानी कि ग्रीन नहीं होगी तो फिर रेड होगी, यानी सीधे सीधे हमें रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो रेड बॉल्स कितने हैं, 4 हैं, और टोटल बॉल्स कितने हैं, 10 + 4 यानी कि 14। तो 4 upon 14 यानी कि इसे अगर हम काट लें तो 2/7 ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, और इस क्वेश्चन में दो डाइस की बात की गई है। इफ़ टू डाइस आर रोल टुगेदर, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 इज, दो डाइस को एक साथ रोल किया गया है, उनका सम 9 आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अभी हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह जब दो डाइस को रोल करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके 1 6 तक, और पूरा यानी 6 6 तक हमने बना लिया है। अब आपको बताना है कि सम 9 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो आप यहाँ पे देखिए कि कौन से दो नंबर, जैसे इसको देखते तो 1 + 1 तो 2 आता है, इसका सम 2 है, 1 + 2 3 आता है। तो अब हमें उन नंबर्स को चुनना है जिनका सम 9 आ रहा हो। तो देखिए सम 4 + 5 9 होता है ना, तो ये 9 आ रहा है, फिर 5 + 4 9 होता है, ये 9 आ रहा है, 3 + 6 9 होता है,
फिर 6+3 9 होता है, ये देखिएगा। इसके अलावा 9 और कभी नहीं आ सकता, 5 4 4 5 3 6 और 6 3 में आ सकता है, 4 बार आ रहा है 9, तो कितनी बार आ रहा है 4 times। और टोटल कितने पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आप दो डाइस को रोल करोगे तो 36 होते हैं, 4 by 36 यानी कि 1/9। तो ये देखिएगा ये आंसर करेक्ट है, दिस इज़ द करेक्ट आंसर। करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, 2 dice आर रोल टुगेदर, दो डाइस को एक साथ रोल किया गया है, आपको बताना है कि सम जो होगा नंबर्स का, आउटकम्स का जो सम होगा वो 7 से लेस होगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो दो डाइस को रोल करने से ये पूरे 36 पॉसिबिलिटी फिर से हमने लिख रखी है। अब आपको क्या चाहिए है कि इनका सम आ रहा हो 7 से कम। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, व्हेन 2 dice आर रोल्ड देन द आउटकम्स आर दिस। तो टोटल पॉसिबिलिटी या टोटल आउटकम्स कितने हैं, ये 36 है, ns इज इक्वल टू 36। एंड फेवरेबल इवेंट, फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या है, हमें चाहिए क्या है, सम जो आए नंबर्स का वो 7 से कम आना चाहिए। तो यहाँ से हमें उन्हीं नंबर्स को उठाना है जिनका सम 7 से कम आए, यानी हम 1 1 ले लेंगे, फिर 1 2 ले लेंगे, 1 3 ले लेंगे, 1 4 ले लेंगे, 1 5 ले लेंगे, लेकिन 1 6 नहीं ले सकते क्योंकि 1 6 7 आता है। फिर यहाँ से हम 2 1 ले लेंगे, 2 2 ले लेंगे, 2 3 ले लेंगे, 2 4 ले लेंगे, फिर 3 1 3 2 3 3 बस, फिर 4 1 4 2 फिर 5 1। तो आप देख सकते हो कि इतने वो नंबर्स हैं जिनका सम 7 से लेस आता है। अब इन्हें आपको कर लेना है काउंट, तो फेवरेबल आउटकम्स आ जाएंगे। फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 आ रहा है फेवरेबल आउटकम, और टोटल कितने थे 36 थे। प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इन्हीं दोनों का रेशो होती है, तो 15/36 होता है, 3 5s and 3 12s। तो 5/12 इज़ योर आंसर, ये आपका आंसर है। अब बात करते हैं हम अपने 16 क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन है, इफ़ 2 dice आर रोल्ड साइमल्टेनियसली द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डबलेट्स। अब ये डबलेट्स क्या होता है, जैसे पहले डाइस में जो आया है वो दूसरे डाइस में भी आए, यानी कि 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब डबलेट्स कहलाते हैं। तो डबलेट्स क्या हैं, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, इन्हें कहते हैं डबलेट्स। तो आप देख सकते हो कितने डबलेट्स हैं, 6 डबलेट्स हैं। तो जब हम लोग इसको कैसे लिखेंगे कि व्हेन 2 dice आर रोल्ड देन अ सैम्पल स्पेस इज दिस, राइट। और उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, डबलेट्स कितने हैं, 6 times हैं, और टोटल कितने हैं 36 हैं, जैसे कि हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 6/36 यानी कि 1/6 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट MCQ देखते हैं, 1 card इज़ ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ वेल शफल्ड 52 cards। 52 cards का एक पैक है, अच्छी तरह से फेटा हुआ है, उसमें से एक कार्ड चुना जाता है, आपको बताना है कि रेड किंग कितने होंगे। हम जानते हैं कि टोटल 4 king होते हैं, उसमें से 4 kings होते हैं, तो 2 kings जो होते हैं ना वो ब्लैक कलर के होते हैं, और 2 king जो होते हैं वो रेड कलर के होते हैं। अगर आपको कार्ड्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो भी आप क्वेश्चंस कर लेंगे, क्योंकि बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, ज़्यादा कुछ जानने को नहीं होता है। 2 king ब्लैक के होते हैं और 2 king रेड के होते हैं, यानी कि रेड किंग कितने हैं, 2 हैं। तो नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम्स यानी कि नंबर ऑफ रेड किंग्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ रेड किंग्स जो होंगे वो हैं 2 = 2। अच्छा, और टोटल कितने कार्ड्स हैं, टोटल कार्ड्स जो होते हैं वो तो 52 हैं। तो अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी चाहिए रेड किंग की। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड किंग इज़ नंबर ऑफ रेड कार्ड्स, रेड किंग्स अपॉन टोटल कार्ड्स, यानी तो 2/52, यानी हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो 1/26 आ जाएगा, 1/26 इज़ योर आंसर। तो इस तरह से
छोटा सा कंसेप्ट है प्रोबेबिलिटी का, आसानी से हम कार्ड्स वाले क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब बात करते हैं लीप ईयर कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन की। ऐसे क्वेश्चन बहुत कॉमन है, अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। किसी भी लीप ईयर में 53 संडे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर 366। अब बेसिकली क्या होता है, इसमें कितने संडे, कितने मंडे, कितने ट्यूसडे होंगे, इसका पता कैसे चलता है। इसे हम डिवाइड करेंगे 7 से, तो हमें पता चलेगा कि कितने कंप्लीट वीक्स होंगे। तो अगर हम 366 को 7 से डिवाइड कर दें, तो 366 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आता है 52 और 2 बच जाता है। तो यानी कि ये है 52 2/7, यानी जब भी 366 डेज को 7 से डिवाइड किया जाता है तो 2 दिन बच जाते हैं और बाकी कंप्लीट वीक जो होते हैं वो 52 होते हैं। यानी कि किसी भी नॉन लीप ईयर में या लीप ईयर में 52 संडेज, 52 मंडेज इतने तो होते ही हैं। लीप ईयर में 2 दिन एक्स्ट्रा बचते हैं और नॉन लीप ईयर में 1 दिन एक्स्ट्रा बचता है। तो फिलहाल ये क्वेश्चन तो लीप ईयर का है, तो इसमें कितने दिन बच रहे हैं एक्स्ट्रा, 2 दिन बच रहे हैं। यानी कि 52 संडेज तो ऑलरेडी हो चुके हैं, 52 कंप्लीट वीक्स हैं, यानी कि 52 संडे, 52 मंडे सब हैं। अब ये 2 डेज जो हैं एक्स्ट्रा हैं। अब ये 2 दिन क्या क्या हो सकते हैं, ये 2 दिन मंडे हो सकते हैं और ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेनसडे हो सकते हैं, वेनसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे के साथ फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे के साथ सैटरडे हो सकता है और सैटरडे के साथ संडे हो सकता है और फिर संडे के साथ मंडे हो सकता है। क्योंकि ये 2 दिन जो बचे हैं ये कॉन्जिक्यूटिव भी होंगे ना, कि जो 2 दिन है ना वो 2 दिन संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, इस तरह से हो सकते हैं, राइट। तो ये पॉसिबिलिटी है इन 2 दिनों के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, इन 2 दिनों के लिए, 2 दिन बचे हैं उनके लिए 7 पॉसिबिलिटी है। अब इन में संडे कितनी बार आ रहा है, यहाँ पे सैटरडे संडे में भी एक बार संडे आ रहा है और संडे मंडे में भी एक बार संडे आ रहा है। यानी कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा है उसके लिए 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि टोटल पॉसिबिलिटीज 7 हैं। लेकिन फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे जो हमें चाहिए, हमें तो संडे चाहिए ना, हमें यहाँ पे बोला जा रहा है 53 संडेज, तो वो हमारे फेवर में संडे, तो फेवरेबल आउटकम्स ये 2 हैं तो 2 हो जाएगा। अब प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर अपॉन टोटल, तो 2/7 हो जाएगा। तो 2/7 यानी कि ये आंसर है। अब अगर संडे की जगह मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेनसडे हो, कोई भी दिन हो, तो उसका आंसर 2/7 ही होगा। तो याद रखिए जो लीप ईयर वाला क्वेश्चन है उसमें 53 संडे या 53 मंडे या किसी की भी बात हो, 2/7 ही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 मंडेज इन अ नॉन लीप ईयर या ऑर्डिनरी ईयर। तो ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होते हैं, कुछ नया नहीं होता है। सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ डेज इन अ नॉन लीप ईयर इज 365। अब कितने कंप्लीट वीक्स होते हैं इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कंप्लीट वीक्स जो होते हैं वो होते हैं 365/7, यानी कि 52 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और 1 रिमाइंडर बच जाता है। अब ये 1 जो एक दिन है वो क्या हो सकता है, यानी कि 52 कंप्लीट संडेज, 52 मंडेज ये सब होते हैं किसी ऑर्डिनरी ईयर में, 52 संडे मंडे सब होते हैं। अब ये एक दिन बचा है, दिस वन डे कैन बी, तो ये संडे हो सकता है, या तो ये मंडे हो सकता है, या तो ये ट्यूसडे हो सकता है, या तो ये वेनसडे हो सकता है, या तो ये थर्सडे हो सकता है, या तो ये फ्राइडे हो सकता है, या तो सैटरडे हो सकता है। तो ये हमने इसके बारे में लिख लिया कि ये इसके बारे में पॉसिबिलिटीज़ हैं। ये जो एक दिन है इसके बाद में ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, दिस इज़ अ टोटल पॉसिबिलिटीज़। तो ये एनएस हो जाएगा, कितना है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंप्लीट पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट। अब इसमें हमें चाहिए है 53 मंडेज, इसमें मंडे कितनी बार आ रहा है, मंडे तो सिर्फ एक बार आ रहा है, तो फेवरेबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 1। तो पॉसिबिलिटी हो जाएगी
1/7 कितनी हो जाएगी, 1/7। तो अगर लीप ईयर है तो उसका आंसर हमेशा 53 संडेज 53 मंडेज का लीप ईयर का आंसर हमेशा 2/7 आता है, और नॉन लीप ईयर का कितना आएगा, हमेशा 1/7, क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा बचता है। क्वेश्चन की अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड कार्ड इज, आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड चुना, तो टोटल कार्ड्स कितने हैं, 52, तो NS क्या होगा, टोटल पॉसिबिलिटी, टोटल आउटकम्स 52 हो जाएगा। अब जो हमें चाहिए है वो कितनी बार है, तो फेस कार्ड जिनमें फेस बना रहता है ऐसे 12 कार्ड्स होते हैं, पूरे पैक में 12 फेस कार्ड्स होते हैं, उसमें से 6 रेड और 6 ब्लैक होते हैं, यानी कि रेड फेस कार्ड कितने हुए, कितने, 6, टोटल 12 फेस कार्ड होते हैं उसमें से 6 रेड होते हैं। तो अब हमें चाहिए क्या है, प्रोबेबिलिटी चाहिए है रेड फेस कार्ड की, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इवेंट इन फेवर अपॉन टोटल इवेंट्स, तो 6/52 यानी कि 3/26, 3/26 इज द आंसर, राइट। तो होपफुली प्रोबेबिलिटी के ये इंपॉर्टेंट MCQs आपको समझ में आए होंगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। इसी तरह के वीडियोस लेके हम लोग आते रहेंगे। थैंक यू फॉर